कल्याण सिंह ने पार्टी तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई थी और यह कहा था कि इस बीजेपी को खत्म कर दूंगा उत्तर प्रदेश में। दूसरी इनकी बड़ी नेता थी उमा भारती, आडवाणी जी को धमकाते हुए मीडिया के सामने, वाजपेयी जी बैठे थे, आडवाणी जी बैठे थे, धमकाते हुए गुस्से में बाहर निकली थी, फुंकारती हुई उन्होंने भी कहा था खत्म कर दूंगा। साक्षी महाराज, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही ठीक ठाक होंगे ईश्वर की कृपा से। दोस्तों, हमारे चैनल में आप आ गए हो तो बहुत ही आज का ये डिबेट अच्छी होने वाली है, जो कि आपसे अनुरोध है आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, सुधांशु त्रिवेदी जी इस डिबेट में हैं और उन्हीं के जवाब में और भी प्रवक्ता हैं और पत्रकार अमीश देवगन भी हैं, जो कि वो सवाल करेंगे और ये इन दोनों और सब लोग जवाब देंगे। क्या होती है बातचीत, आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, चलिए मेन वीडियो के तरफ चलते हैं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। परिवार को वो पार्टी भ्रष्टाचारी होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। लालू यादव का जवाब ईमानदारी लोगे मधुकोड़ा का ले लेता हूँ मैं जवाब, लेकिन लालू यादव मोदी ने बोला सजा हो गई ना, मधुकोड़ा आने की इनकी पार्टी में आ गई ना, आ गई ना, उनकी वाइफ आ गई ना, वाइफ आ गई। अगर किसी के पति ने करप्शन करी है, हस्बैंड ने करप्शन करी है, तो उसकी सजा उसकी वाइफ को भी मिलनी चाहिए, उसको भी रिपब्लिकन पार्टी को मिलनी चाहिए। लालू यादव के सवाल पूछा गया, लालू यादव पे क्यों क्यों मोदी जी ने सुनाएंगे हम आपको, आप यही रखिएगा। भागे उन्होंने जब करप्शन करी उसके समर्थन से मुख्यमंत्री कारण सारी के भाई आरजेडी कारण सारी कुछ अर्ज करना चाहता हूं। अर्ज करिए। इन्होंने कहा कि अपराधियों के ऊपर, तो मैं बताना चाहता हूं आप बच्चों सब जाके चेक कर लीजिए। एक बहुत बड़े समाजवादी, देखिए एक बहुत बड़े समाजवादी कवि हुए आदम गोंडवी, पक्के समाजवादी थे, परंतु बाद में उन्होंने देखा समाजवाद में जिस ढंग से अपराधी तत्व आने शुरू हुए, तो उन्होंने आदम गोंडवी जी ने एक शेर लिखा समाजवादियों के लिए कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज यूं विधायक निवास में। और आगे की लाइन उनकी मेरी नहीं, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, उन्होंने कहा पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। ये तो आप ही के नेता की कहानी, आप ही। अरे सुना दो ये तालियां भाई, ये वाला जो है ये जबरदस्त होगा। आदम जी की केवल दो ही पंक्तियां पढ़ी सुधांशु जी, आगे वाली आप बता दो। बहुत कुछ लिखा है, ये गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी, फिर कहां से बीच में मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके चेहरे पर लिखी थी जेल की ऊंची फसील, राम नामी ओढ़ के संसद के अंदर आ गए, कल तलक जो हाशिए पर भी नजर आते न थे, आजकल बाजार में उनके कैलेंडर आ गए, और जिनको सच कहना सुनना और देखना भाता नहीं, कुर्सियों पर वो आज वो ही बापू के बंदर आ गए। भैया बापू के बंदर किसके लिए बोल गए मेरे भाई, कौन है इस जमाने में आदम गोडी ने लिखा था, सत्ता में नहीं थे, आपकी बात को सत्ता में नहीं थे, अमीश जी बापू के बंदर आ गए। जय हो बापू के बंदर आ गए। अमीश जी ने मोदी ब्रांड, मेरा निवेदन है इसे ठीक कर लें आप, इसमें से आर डिलीट कर दें, मोदी बैंड है ब्रांड कुछ नहीं है, बैंड है मोदी बैंड, बस बैंड बजता है, बैंड बजता है। अब बताए मोदी ब्रांड क्या है? देखिए पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि मोदी ब्रांड वो है कि उत्तर प्रदेश में हमारी 10 सीटें थी, उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे नहीं, आके बनारस से चुनाव लड़े, 73 सीटें, यूपी में हमारी 47 सीटें थी, 350 सीटें, इतिहास की धारा बदल दी मोदी जी ने, 34 साल के बाद पहली बार स्पष्ट बहुमत, इसलिए ब्रांड वांड बहुत छोटा शब्द है, मोदी जी युग प्रवर्तक महापुरुष है। जी ब्रांड छोटा शब्द है, ओके मोदी ब्रांड के ऊपर, लेकिन मोदी ब्रांड जो है वो है, लेकिन साथ में राम मंदिर भी है, साथ में अब सीए भी आएगा, क्या करिएगा मोदी जी की 370 हटा चुके हैं, ये यूसीसी ला चुके हैं उत्तराखंड के अंदर, क्या करेगा ये। और मोदी, नरेंद्र मोदी ने बोला है कि इस बार जब मैं 2024 में आऊंगा तो इससे और बड़े काम करने के लिए आऊंगा। अमीश भाई चुनाव आ गए और बड़े बड़े जुमले छा गए, और मोदी जी मत बोला करिए, आपने राम मंदिर जुमला बोला बना दिया, 370 जुमला बोला हटा दिया, दो करोड़ रोजगार बोला था सबको दिला दिया, किसानों के आय दोगुनी करने का वादा करा था दिला दिया, जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां एपीएमसी एक्ट है क्या? नहीं है। काला कानून लागू है केरल में, मगर चू नहीं बोलते, बोलिए ब्रांड मोदी और ब्रांड राहुल, आपका विश्लेषण क्या है आज की तारीख में? कहा क्या हो रहा है, कुछ लोग
60 में से 52 चुनाव हारने वाले को जननायक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिसकी विनिंग 87% है, यानी कि राहुल गांधी फिट है इसलिए हिट है। और क्या कमाल कर रहे हैं भाई आप, कमाल है मतलब आपको, अगर अगर इन हालात में भी, अगर इन हालात में भी राहुल गांधी किसी को हिट देखे दिख रहे हैं तो कोई क्या कर सकता है। इस पे बताइए क्या कहा जा सकता है कि बर्बादियों का शोक मनाना फिजूल था, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया राहुल गांधी। जी 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 जी, लेकिन 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 देखिए देखिए ये बात देखिए, ब्रैंड मोदी वो है, ब्रैंड मोदी वो है जिसके उत्तर प्रदेश में 7 राज्यसभा कैंडिडेट जीत सकते थे और 8वें का चांस था, 8वें को जितवा दिया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का कैंडिडेट क्लियर कट जीत सकता था, ब्रांड राहुल वो है जिसको उन्होंने हरवा दिया। खुद सोच के देखिए कहां पे कौन खा खड़ा है, ये बात सोचनी होगी। सोचिए बंगाल के अंदर 2 सीटों की दरकार के लिए कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी की सेकंड फिडलर होकर दिल्ली के अंदर लड़ रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर नकारते हुए समाजवादी पार्टी ने टिकटें सौंपी। सोचिए क्या हर्ष हो गया कांग्रेस पार्टी का। रोहित अग्रवाल एक सवाल है, अगर सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ सही हो रहा है तो आपको यूसीसी सीए की क्या आवश्यकता है? देखिए एक बात अमीश भाई पहले समझनी पड़ेगी हमें कि 75 साल में से 60 साल कांग्रेस ने राज किया और आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पे निर्भर होना पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा इनको दर्द होता है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन, क्योंकि ये आधा पेट रखना चाहते हैं देश की जनता को, ताकि देश की जनता भूख के आगे सोच ही ना पाए। ये युवाओं की रोजगार की बात कर देगा, इनको कोई हक नहीं है। देश की कैपिटलिस्ट को गाली दोगे 11 लाख करोड़ रुपए का, तेलंगाना में जाके अदानी के साथ करार कर लोगे, उस पर आवाज नहीं निकलेगी मुंह से, और देश की कैपिटलिस्ट गाली दोगे दिन रात पानी पी पी के, और रोजगार की बात करोगे तो रोजगार क्या विदेश का कैपिटलिस्ट आके तुमको देगा? आप कह रहे हैं कि ब्रांड मोदी है, आप कह रहे हैं कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी है, लेकिन यूसीसी की जरूरत क्यों है, सीए की जरूरत क्यों है? अब हो रहा है कि सीए फर्स्ट वीक ऑफ मार्च है, वो लाइन में बता देना चाहता हूं। देखिए साहब सीए क्यों, अभी बता रहा हूं, आप पूरी बात होने दीजिएगा। जो लोग कहते थे कि राम मंदिर में रामलला कहां है, ये साबित करना पड़ेगा, जहां विराजमान है वहां से नहीं मानेंगे, कागज दिखाओ, सबूत दिखाओ, 500 साल पुराने कागज दिखाओ। वही लोग आज कहते हैं कि हम जहां विराजमान है मान लो, कागज मत मांगो हमसे। तो मुझे लगता है कि इस पे वो पंक्ति याद आती है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे बाकी कोई ना दिखाएगा। जी लेकिन 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 सीए की बात चुप अब हो रही आ रही है कि गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन लेके आ सकता है, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है उसके ऊपर? जो शुरू से हमारा स्टैंड था वही स्टैंड, क्या सीए तो कानून पास हो गया, लेकिन सीए की पहली बात तो जरूरत नहीं थी, दूसरा सीए संविधान विरोधी कानून है, संविधान विरोधी है। मनमोहन सिंह ने बोला है, असम की सरकार ने पास करके दिया है, वहां की केरल की सरकार ने पास करके दिया, फोर ऑफ द हाउस पे हवा में बातें हैं, ड्राफ्ट दिखाइए उसके बाद ही चर्चा कर पाएंगे। आपका स्टैंड क्या है मेरे को पढ़ने तो दीजिए, तब बताऊंगी स्टैंड। ये तो खिलाफ है, कानून तो आ चुका है, दिखाइए कानून कब से आ रहा है, नोट आ चुका है। मैं सीए पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने विभाजन की भारी कीमत चुकाई थी वो आज तक वो पीड़ा सह रहे हैं। अटल जी की एक पंक्ति थी जो सीए के लिए जो लोग तड़प रहे हैं वहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में, सारे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन वाले हिंदू सिख जैन बौद्ध सबके लिए कहना चाहते हैं कि जिनकी लाशों पर सर रखकर आजादी थी हमने पाई, वो अब तक है खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। तो उनके ऊपर छाई हुई गम की आंधी को छुपाने के लिए, और अगर ये कह रहे हैं संविधान विरोधी, मैं बताना चाहता हूं सितंबर 1947 में महात्मा गांधी का बयान है कि जो जो लोग आना चाहेंगे उन्हें आने देना और भविष्य बने देना भारत की जिम्मेदारी होगी। मैं आपको एक नहीं दिन दर्शनों गिरा सकता हूं सीए के लिए। देखिए इस्लामिक मुल्क कई सारे हैं इस पूरे, देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हिंदू एक ऐसा आबादा है जिसका कोई मुल्क नहीं है, और मैं एक ऐसा आबादा है जिसका कोई मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुल्क नहीं है। हिंदू सिख जैन बौद्ध, जैन खास तौर पर, और हिंदू और सिख, ये लोग कहां जाएंगे, इनका मुल्क तो एक हिंदुस्तान ही है। अगर इनको ना नागरिकता मिलती है तो आपत्ति क्या है? आपने कहा कि एक अभागा हिंदू ऐसा जो किसी मुल्क में जगह नहीं, इसका क्यों देश नहीं? कई लाख हिंदू तो अमेरिका में रहते हैं, कई लाख कनाडा में रहते हैं, इसका कोई देश नहीं है, उन्हें नागरिकता भी मिल रही है। सर क्रिश्चियन का देश है, इस्लामिक का देश है, एक हिंदू देश बताइए, बताइए एक हिंदू राष्ट्र बताइए पूरी दुनिया के अंदर। नहीं इसमें कोई, इसमें अगर आप बताइए ना, है कोई राष्ट्र? देखिए कोई हिंदू राष्ट्र है किसी और, बताओ तो बताइए कोई।
और सुनिए मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक सेक्युलर राष्ट्र बताइए, और सुनिए मुस्लिम मेजोरिटी वाला एक सेक्युलर राष्ट्र बता देंगे, बता देंगे। आज कोई धार्मिक राष्ट्र सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, सब पिछड़ते जा रहे हैं। तो संविधान सम्मत और लोकतांत्रिक देश है, वो ही आगे बढ़। नेपाल के नागरिकों ने खुद वोट करके नेपाल को धर्म विरोधी राष्ट्र से हटा के संवैधानिक राष्ट्र बनाया, और यूं ही लोगों के अंदर जो उन्माद भरते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक मुस्लिम राष्ट्र बताइए जो लोकतांत्रिक को पूरी तरीके से, एक पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मुस्लिम राष्ट्र बताइए। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है पूरी तरीके से। इंडोनेशिया में रामलीला होती है, राम को पूजा जाता है, इसीलिए अरुणा एयरवेज है, एयरवेज है। लेकिन लेकिन क्योंकि आखिरी राउंड है, मैं सीटों के बारे में आपसे जानूंगा एक एक लाइन के अंदर। इंडिया अलायंस की आप दोनों डिसाइड करके बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी। मैं एनडीए के सुधांशु से पूछ लेता हूं, आप बता के टोटल बता दीजिए कितनी सीटें आएंगी इंडिया अलायंस की पूरे देश में। सुधांशु त्रिवेदी, एनडीए का नंबर क्या होगा आपकी राय में? हमारा तो कहीं कोई शक ही नहीं है, बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार। आपका आपका जो या तो झूठे होते हैं या जिनकी कोई तिकड़म होती है केवल वो संख्या बता पाते हैं, चुनाव में संख्या कोई नहीं बता सकता। हम ये कह सकते हैं अखिलेश जी ने बता रहे हैं, अखिलेश जी ने 403 में 400 बताई, तो झूठे होते हैं। 403 में 400 बताई तो झूठे होते हैं, झूठे थे तिकड़मी थे तिकड़म। वीडियो पे बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों आप वीडियो देख ही लियो, बहुत ही अच्छा मजा आया हो तो आप एक कमेंट कीजिए और बताइए आपकी क्या राय है सुधांशु के बारे में, आमिष देवगन और आपस में जो भी जो बात हुआ आप उस पर अपनी राय रख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके रखें दोस्तों, और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे नई नई वीडियो आपके आपको देते रहेंगे हम इस चैनल पे। हमें सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए, और आप अपना ध्यान रखिए दोस्तों। दोस्तों सुधांशु त्रिवेदी जी जो बोले, जो भी आपको क्या कहना है और उनके जवाब में और भी हैं अभय, जो कि वो क्या बोले आप इस पे बात कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिए और हमें आगे बढ़ाइए दोस्तों। और तब तक के लिए यहीं पर ये वीडियो समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।